ये बहुत जरूरी है। कुछ चश्मों का पानी जो होता है वो भी ठीक नहीं होता, या तो पंप हो आपके पास, हैंडपंप का है नहीं आपके लिए, वो नहीं है, देते ले जाइए आपको पानी जो है वो गर्म करके उस पर ठंडा करके फ्रीज का स्टोर में डाल दे तो आप पिया करो, पानी का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। क्या सर की बात सबको समझ आई ना? आपको हमेशा हमने यही बताया है कि इस मौसम में और खासकर आने वाले बरसात के और गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जर्म्स ग्रो करते हैं। आपने देखा है ना, थोड़ी देर पानी रखोगे कहीं तो ऐसे कीड़े आ जाते हैं उसमें, आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये मौसम जो है जर्म्स को, बैक्टीरिया को, आप सब एजुकेटेड हो, जर्म्स को बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप एक एजुकेटेड जनरेशन हो, है ना, आप पढ़े लिखे हो, जब आप अपने पेरेंट्स को गाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप अपने दादा दादी मम्मा पापा भाई बहन सबको गाइड करो, ठीक है। किसी ने भी क्या आज दिन तक घर जाके हैंड वॉशिंग बाकियों को सिखाई? आप स्ट्रेस में चले जाते हो, जब आप स्ट्रेस में जाते हो बेटा आपको नींद नहीं आती, आप दुखी हो जाते हो, चिड़चिड़ापन होता है आपको, दूसरे के साथ आपको बात करने का मन नहीं करता और पढ़ाई से भी आप दूर हो जाते हो, होमवर्क नहीं करते, ये सारी चीज़ें बेटा इसमें आ जाती है। इसमें जो हमारा दिमाग है ब्रेन जो है ये हमें चला, ये हमारा सब कुछ यही करता है, वो वही पानी की वजह से होता है, ताज़ा पानी की वजह से होता है, लूज मोशन बोलते हैं क्योंकि पानी की वजह से होता है। इसलिए जब हम हाथ साफ करके रखेंगे तो हमें जो है कोई भी जरासीम जो है वो कैरी नहीं करेगा। तो मोर ओवर जब बेटा पानी पीते हो, पानी पीने में आपने ख्याल रखना है, आप भी साथ में करें।